हे गाइस, आज हम आए हैं मोती महल डीलक्स। सो दैट्स अमेजिंग, वेरी फेमस फूड चेन, और जलंधर में ये खुला है रेस्टोरेंट। सो इट्स बीन लाइक डीलक्स बहुत ही मशहूर चेन है, थानू पता सारा नु। तेरा एक प्लस पॉइंट की है, चार फ्लोर्स है ना, ते उत्ते प्लेवे भी है, कैफेटेरिया भी है। ਜਿਸ ਆਪਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਲੇਵੇ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਨੀਚੇ ਫੂਡ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮਤਲਬ ਕਾਫੀ ਕੰਪਲੀਟ ਪਲੇਸ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲੇ ਹਾਂ, ਕਿ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਰਿਲੈਕਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਔਰ ਉੱਪਰ ਬੱਚੇ ਖੇਡਦੇ ਰਹਿਣ। ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇਨਕੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ। ਫਨ ਫੈਕਟਰੀ ਹੈ ਉੱਪਰ, ਅਗਰ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਹੈ, ਪਲੇ ਏਰੀਆ ਹੈ, ਮਿੰਨੀ ਮੌਨਸਟਰਸ ਹੈ, ਲੇਜ਼ਰ ਬਲਾਸਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਆਪਸ਼ਨਸ ਆਪਕੋ ਮਿਲੇਗੀ। ਔਰ ਯਹਾਂ ਪੇ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਆਪਕੋ ਫਲੋਰਸ ਮੇ ਯੂ ਕੈਨ ਗੋ। और ये है इनका, गो इनसाइड नाउ। आ जाओ भाई, वाओ, काफी अच्छा इंटीरियर बनाया है इन्होंने, किराया बहुत अच्छा इंटीरियर है गाइस। सो जस्ट चेक आउट द व्यू, अमेजिंग अमेजिंग एम्बियंस। सो क्या बन रहा है भैया आज? ये अपना प्लाटर बन रहा है, तंदूरी गुलदस्ता। क्या बात है, क्या आएगा प्लेटर में साथ साथ? ये अचारी पनीर टिक्का, तंदूरी मशरूम, ठीक है, तंदूरी सोया चाप। ओके, मैरिनेशन तो बहुत बढ़िया लग रही है गाइस, और मुँह में पा। सो ये गाइस इनके किचन है, सो बहुत हाइजीनिक है, बहुत नीट एंड क्लीन रखा है, पूरी प्रोफेशनल वे से इनके ट्रेंड प्रोफेशनल शेफ्स हैं। और हम बनता हुआ देख रहे हैं आज यहाँ पर वेज प्लेटर। सो ये सारा आपको दिखाया जाएगा कैसे ये रेडी हो रही हैं, और जो जो चार पांच डिशेज हैं वो सब आज यहाँ पर आपके सामने बनती दिखाएंगे हम। गुलदस्ता के अंदर वेगस का कबाब प्लेट। ओके ठीक है, गुलदस्ते के अंदर ये कबाब सर, ठीक, दही कबाब। ओके, और ये तंदूरी चिकन गाइस, तंदूर से गर्मा गर्म निकल कर बाहर आया, क्या बात है, मज़ेदार भैया, तुम्हें पानी आ गया। और अब हमारे ये जो वेज प्लेटर है ये इस तंदूर में जाएगा। अभी क्या मक्खन का छोंक लगा रहे हो? आ हा हा, बटर लग रहा है, क्या बात है। सो इसकी गार्निशिंग हो रही है बटर के साथ। सो ये नॉनवेज का काउंटर है, यहाँ पर वेज तंदूर होगा, तो ये नॉनवेज तंदूर है, अलग अलग है। हम जैसे दोनों खा लेते हैं तो हमने बोला एक ही साथ लगा दो ताकि हम इजीली कैप्चर कर सकें वीडियो में। सो ये तंदूरी चिकन बन के तैयार हो गया है, गर्मा गर्म ये लगा बटर का तड़का। तो ये तंदूरी चिकन रेडी है, ये भी प्लेटर में इन्होंने सर्व किया है। दाल मखनी तो हर घर की फेवरेट है, कहीं भी रेस्टोरेंट में कहीं में भी वो आते हैं तो ये हमारी पक्का एक मेन्यू का होता है, दाल मखनी तो हमें ऑर्डर करनी, तो वो मैं ज़रूर टेस्ट करूँगी यहाँ की और आप सबको बताऊँगी गाइस। सो मज़ेदार तड़का लग रहा है यहाँ पे दाल। सो अब ये बीच में गई क्रीम, हाँ हाँ हाँ, क्या कलर आ गया भाई, मज़ेदार। सो ये जा रही है क्यूट सी हांडी में। सो ये तंदूरी चिकन जो बना था वो उनमें से उन्होंने ये बटर चिकन की ग्रेवी में मिक्स किया, क्या बात। ये लग रहा है पनीर लबाबदार, पनीर लबाबदार बन रहा है भाई, क्या तड़का लगा है, मजा आ गया। मोती महल इज ऑलरेडी फेमस गाइस, लाइक आप, मुझे नहीं लगता इसकी तारीफ करने की जरूरत है, इट्स अ वेरी हर अच्छे दिस सिटी में दिस मोती महल इज ऑलवेज देयर। और यू नो व्हाट, मैं जब शिमला भी घूमने गई हूँ तो मैंने वहाँ पे मोती महल प्रेफर करा, उसका खाना वो सो फ्रेश। और अब हम यहाँ का ट्राई करेंगे, मोती महल हो तो बंदे को लगता है कि अच्छा जेन्युइन होगा। पहले भी ऑलरेडी यहाँ पे जलंधर में था, तो आई थिंक ये रिलोकेट होकर अब इस साइड आया है अर्बन स्टेट में, लोकेशन अच्छी है। सो अब काफ़ी लोकेशन अच्छी, एम्पल पार्किंग स्पेस आपको मिलेगी, और ये अमेजिंग डिशेज अब हमारे सामने, और लाइक आई कैन नॉट लिटरली कंट्रोल। और हम वेज प्लेटर से स्टार्ट करते हैं। सो जिसमें ये खस्ता, दही कबाब है, पनीर टिक्का है, मशरूम के स्नैक्स हैं, एंड लाइक लॉट्स ऑफ थिंग्स आर देयर। सो लेट्स क्विकली क्विकली स्टार्ट नाउ। सो या लेट्स स्टार्ट विद दिस खस्ता कबाब। इट्स वेरी क्रंची फ्रॉम आउटसाइड और बहुत सॉफ्ट है अंदर से। सही नाम दिया डिश को, टू गुड। सो वी हैव द सैलड आल्सो विद दिस। शाम भी है इस प्लेटर में, हमने एक्चुअली खुद कस्टमाइज करवाई है।
मिर्च सीख कबाब नॉट अ कबाब ऐसी कबाब भी होते हैं हाँ वो राउंड इन शेप है ना ये लंबे दैट्स ऑल्सो अमेजिंग गाइज टू गुड तंदूरी मशरूम मशरूम टिक्का है ना बहुत सॉफ्ट है काफ़ी अच्छा प्रॉपर वेल कुक्ड है टेस्ट करते हैं पनीर टिक्का चाम्प इज ऑल्सो वेरी डिलीशियस लाइक एक प्लेटर में आपको काफ़ी स्नैक्स मिल रहे हैं सो लाइक इफ यू आर कमिंग विद द फैमिली तो आप एक वेज प्लेटर ऑर्डर कर सकते हो एंड यू कैन एंजॉय पनीर टिक्का इज अमेजिंग चाम्प भी बहुत अच्छी चाम्प मैं थोड़ा कम फैन हूँ तो वैसे होती जो टेस्टी है बारी आती है नॉन वेज दिस तंदूरी चिकन सो लेट्स जस्ट ट्राई दिस लेग इज ऑलवेज स्पेशल मुझे विंग्स पसंद है आई डोंट लाइक लेग्स फ्लेवर इज टू गुड वेरी जूसी गाइस मज़ा आ गया फ्रेशली कुक्ड है साफ पता लग रहा है चिकन की क्वालिटी से मैरिनेशन बहुत अच्छी हुई है बहुत टेस्टी प्रॉपर तंदूरी चिकन क्वांटिटी भी अच्छी है पीसेस भी बड़े हैं नहीं तो नॉर्मल रेस्टोरेंट में जाते हैं छोटे छोटे पीसेस विंग्स को ही दे देते हैं बस मैंने प्रॉपर लेग का पीस दिया है थाई का दिया है चेस्ट का दिया और लेग पीस दिया है सो लाइक एक या इन्होंने मिक्स्ड करके सारे सो दे हैव अरेंज्ड इन अ प्लेटर सो ये थे इनके स्नैक्स जो हमें लाइक काफ़ी अच्छे लगे एंड इनके प्राइसेस वगैरह हम सब शेयर करेंगे और गाइस आपके लिए यहाँ पर हम डिस्काउंट या कुछ एक डिश रखेंगे सो दैट्स गोइंग टू बी लाइक यू नो अ कॉम्प्लीमेंट्री फॉर यू मे बी इट कैन बी डिस्काउंट और समथिंग तो मैं ये वीडियो के एंड में ज़रूर बताऊँगी सो जस्ट वॉच दिस वीडियो टिल द एंड सो अब ये हम ट्राई करते हैं ब्लू एंजल इनकी मॉकटेल्स बहुत अच्छी है दिस इज़ मिंट मोहितो सो लेट्स गाइज नाउ ट्राई देयर मेन कोर्स तो उसमें हम गाइज ये अनियन परांठा है सो ये बहुत ज़्यादा अमेजिंग था बहुत अच्छी फिलिंग लग रही थी तो आई थॉट कि सबसे पहले ये ट्राई करूँ ये दाल मखनी के साथ तो इनकी ये सिग्नेचर है दाल मखनी अमेजिंग यार मेल्ट इन माउथ है गाइज तो लिटरली दाल इतनी टेस्टी है टू गुड गाइज जब भी आओगे ना दाल मखनी तो यहाँ पे ज़रूर ऑर्डर करना इट्स टू गुड लेकिन जब पुदीना परांठा हमने ऑर्डर करा था टू डिलीशियस सो ये मैम पनीर लबाबदार के साथ अब ट्राई करूँगी मस्ट ट्राई गाइज वेज में ये दोनों डिशेस तो ज़रूर ट्राई करना बहुत टेस्टी है जनरली बहुत टेस्टी है अब आ गया भाई बटर चिकन नॉन वेज वाले नाराज नहीं होने चाहिए चिकन इज़ वेल कुक ग्रेवी इज़ ऑसम पूरा बटर का फ्लेवर आ रहा है एवरीथिंग इज़ सो गुड गाइज लिटरली बहुत ज़्यादा मज़ेदार है सब कुछ सो ये इनकी बिरयानी भी है सिंगल लुकिंग गुड सो चिकन बिरयानी क्योंकि वेज में गाइस बिरयानी लोग कहते नहीं होती है तो मैंने नहीं मंगवाई थोड़ा फ्लेवर खड़े मसालों का पूरा फ्लेवर आ रहा है चिकन इज सो सॉफ्ट गाइस बिरयानी में भी वेरी माइल्ड बहुत ज़्यादा वो नहीं है कि बड़ी स्पाइसी है गले में लग रही है यहाँ बटर चिकन में थोड़ा टैंगी फ्लेवर है हाँ बटर चिकन में टैंगी ओह उन्होंने वो जो लेमन स्क्वीज करके डाला था ना बटर चिकन मतलब लोग होते हैं कि मीठा बना देते हैं हाँ इट्स वेरी स्वीट जनरली तो इन्होंने बहुत अच्छा बैलेंस करा है तो बहुत ज़्यादा स्वीट नहीं बनाया सो लाइक ये मुझे बहुत अच्छे लगे और इनकी मॉकटेल्स गाइज अ मस्ट ट्राई बहुत ज़्यादा अच्छी मॉकटेल्स है परांठा और दाल मखनी और पनीर लबाबदार तो गाइज और ये नॉन वेज बटर चिकन भी अच्छा लगा ये तीनों चीज़ें ऑर्डर करना और बिरयानी सो बिरयानी में टेस्ट लिटरली गाइज मोती महल इज़ वन ऑफ द बेस्ट लाइक आई कैन से फैमिली रेस्टोरेंट अगर आपने फैमिली के साथ आना है यू नो यंगस्टर्स के तरह वो जो कैफेटेरियाज तो बहुत खुल गए हैं बट व्हेन यू वांट टू सिट विद द फैमिली सो यू डोंट फील दैट कंफर्टेबल और वो कंफर्ट लेवल नहीं होता है
सो आई थिंक कि लाइक ये जो आपको पीसफुल सरीन सा एनवायरनमेंट एम्बियंस मिलेगी अंदर, सो यू आर गोइंग टू लव इट फॉर श्योर. लाइट्स और म्यूजिक चल रहा है, प्लस ऊपर के दो फ्लोर बच्चों के लिए, बच्चे भी खुश, बच्चे भी खुश और हम भी खुश, फैमिली भी खुश. बीवी खुश तो सब खुश, बीवी बच्चे खुश तो सब खुश, बीवी को, हाँ बीवी बच्चों को खुश करना है तो यहाँ पर ले भाई, सो यू आर गोइंग टू लव इट. सो यार जलंधर वालों डू गिव अ ट्राई, एंड हम एक्सप्लोर कर रहे हैं जलंधर की बेस्ट प्लेसेस, सो दिस इज वन ऑफ देम आई मस्ट से. डू कम हियर, डू विजिट, एंड आई एम श्योर दैट एवरीवन इज गोइंग टू लव इट, है ना? आप क्या कहना चाहोगे? 10 में से 10, 10 आउट ऑफ 10 है हमारी रेटिंग तो. Everything, एक चीज लाइक फ्रॉम द ड्रिंक्स टू द स्नैक्स एंड मेन कोर्स, एवरीथिंग वाज सुपर. प्रेजेंटेशन से लेके अंदर लाइव किचन, इवन द शेफ्स आर सो या उनको इतनी नॉलेज और बहुत अच्छा लाइक वो कुक कर रहे थे, सो आई लिटरली एंजॉयड. जैसे आपको पता है कि मेरा फूड उसका भी रेसिपीज का भी है चैनल, सो लाइक बहुत इंटरेस्ट रहता है कि बैक एंड पे बन क्या रहा है, देख कर आए जरा. नो डाउट हम बना नहीं सकते वैसा. खाने के लिए आपको इधर ही आना पड़ेगा, सो डू गिव अ ट्राई वंस गाइस. ऑफर इज लाइक यू आर गोइंग टू गेट 10% डिस्काउंट ऑन टोटल बिलिंग. बिलिंग आपकी मिनिमम कुछ नहीं रहेगी, मोती महल रेस्टोरेंट में ही आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा. आपने बस ये करना है, हमारे चैनल का रेफरेंस देना है CNM ब्लॉग्स. सो इस चैनल का जो रेफरेंस देकर आएगा, है ना, तो उन्होंने मतलब कुछ नहीं रखा, मिनिमम बिलिंग 10% सबको मिलेगा. या 10% सबको मिलेगा हमारे सारे व्यूअर्स को. सो डू कम हियर, डू विजिट एंड ग्रैब. हमें भी बताओ कैसी लगी ये जगह, और प्लीज आप अपना फीडबैक भी शेयर करो, आपको यहाँ पर क्या अच्छा लगा, सो डू शेयर इन द कॉमेंट सेक्शन एज वेल. सो यार नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं. टिल देन सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय.